दोस्तों, क्या आपको पता है मछली पालन में तिलापिया की खेती एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और इंडिया में बहुत डिमांड वाला मछली है। हाँ, जिसका बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। देखिए, जिसमें जितना प्रॉफिट है उसमें उतनी कॉम्पिटिशन, उतनी चुनौतियाँ होनी ही होनी है, जिसका समाधान आज हम इस वीडियो में देने का पूरा प्रयास जो है करने वाले हैं। वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, जो कि आज थोड़े से ठंडे बस्ते में जाने वाली है, इन चुनौतियों से उभरने में काफ़ी मदद कर सकती है और तिलापिया की एक सक्सेस जो कल्चर है, सक्सेस जो फार्मिंग है, वो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की, तिलापिया फार्मिंग में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का काम कैसा होता है या कैसा ये बायोफ्लॉक वर्क करता है, और तिलापिया के उत्पादन में जो एक स्टैंडर्ड जो पीएच रेशियो है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पीएच को लेकर सेंसिटिव होती हैं, तिलापिया में जो फिश डिसीज है, बीमारी का जो फैलाव है वो कैसा होता है और उसे आप कैसे जो है रोक सकते हैं। साथ ही साथ आज बात करने वाले हैं कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़े स्तर पर जो कमर्शियल फार्मिंग है, तो उसमें जो है तिलापिया फार्मिंग के लाभ जो है कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो एक्वाकल्चर का एक कॉन्सेप्ट है, एक विधि है, जिसे मछली का जो वेस्ट होता है, चाहे उसका यूरिन हो, चाहे उसका स्टूल हो, फिश वेस्ट हो, और या फिर उसके बचे हुए जो दाने हो, उसको हाई लेवल की जो प्रोटीन फीड है उस सोर्स में बदल देना है। और इसको बदलने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें यूज करते हैं, वो है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू हम प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट करते हैं मछलियों का जो बचा हुआ वेस्ट है। इससे क्या होता है, देखिए, इससे मछलियों का जो वेस्ट है वो मछलियों के लिए जहर है, क्योंकि पानी को ख़राब कर जाती हैं। तो ये बैक्टीरिया उनको खा करके, उनको फिनिश करके वाटर पैरामीटर्स को काफ़ी मेंटेन करती हैं और पानी गुणवत्ता को, क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करती हैं। तो जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल जो पार्ट्स हैं, जो खास करके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जिसको हम लोग अक्सर हेटेरोबैक्टीरिया कहते हैं, इनका जब जब आप उपयोग करेंगे तो आपके वाटर पैरामीटर्स, वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छा आपका बना रहेगा, और ये जो कन्वर्टेड प्रोटीन सेल्स हैं इन्हें मछलियां वापस जो है खा लेती हैं। यदि आप बायोफ्लॉक के बारे में थोड़ा डिटेल समझना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर तिलापिया फार्मिंग में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। तो देखिए, तिलापिया फार्मिंग में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, मछली को आप एक टैंक, या जैसा आप देखे होंगे लाइनर टैंक है या राउंड टैंक है, इसमें जो है आप इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, और जो आपका जो गुड बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, इनको आपको ग्रो करना होगा, इनका कल्चर करना होगा, और ये इनको पूरी टेक्नोलॉजी जो है तिलापिया फार्मिंग को ये सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जल में जो है, पानी के अंदर जो आपके जो लाइव सेल्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, इन्हें वापस मछली जो है खा लेती है। तो इस टाइप का एक साइकिल जो है आपका चलते रहता है। तो इससे जो है एक तो वाटर क्वालिटी में सुधार होता ही होता है, साथ ही मछली का जो ग्रोथ है आप देखेंगे बहुत फास्ट होगा, और उसका जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसको जो प्रोटीन मिलते हैं वो प्योरली जो है नेचुरल प्रोटीन है, जिसको हम लोग अक्सर तालाबों में जूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन के रूप में हम लोग डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेनिफिट यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, कि आखिर ये जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करके हम तिलापिया कल्चर में किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ तिलापिया फार्मिंग की बात हो रही है तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में काफ़ी जो है लाभ मिलता है। सबसे पहले तो हमने बात करी थी वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ज़रूरी जो चीज़ है वो है फीड की लागत बहुत ही घट जाती है। यदि मैं नॉर्मल तालाब की बात करूं तो 1.7 तक का FCR जाता है, लेकिन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 1.2 से लेकर 1.4 के आसपास का रेशियो अभी हमारे में आ रहा है। हालांकि हम लोग इसमें नौसिखिए हैं, अभी हमें बहुत सारे इसमें सीखने की ज़रूरत है। जो लोग अच्छा कल्चर कर रहे हैं वो लोग 0.8 से लेकर के 1% तक भी कल्चर कर लेता है, ऐसा वियतनाम की बहुत सारे वीडियोज़ में आपको देखने मिल जाएगा। हालांकि हम लोग अभी उतना सीख नहीं पाए हैं, तो जो अच्छे लेवल के जो इसमें साइंटिस्ट हैं या दूसरे जो रिसर्चर हैं जो लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को करते हुए मुझे फिलहाल अभी 5वां साल चल रहा है, तो हमारा अनुभव थोड़ा सा कम है, हमारे नॉलेज इसमें थोड़ी सी कम है, तो हम लोग इसके हिसाब से भी जो कल्चर कर रहे हैं तो 1.4 का रेशियो आता है। तो जरूरी जो चीज़ है, वाटर पैरामीटर्स मेंटेन रहता है, फीड लागत कम आती है, साथ ही साथ फीस का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, वो जो है बढ़ जाती है। तो देखिए, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हाई डेंसिटी आप फार्मिंग कर सकते हैं, और वाटर जो एक्सचेंज है, पानी जो बदलाव है, बहुत ही कम करने की आवश्यकता है। यानी मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो इसको जीरो वाटर एक्सचेंज टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। हालांकि थोड़ा सा पानी बदलना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम पानी से आपका काम चल जाता है।
चौथा जो टॉपिक था दोस्तों, तिलापिया उत्पादन में एक आदर्श पीएच यानी कि एक स्टैंडर्ड पीएच का रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखिए, पीएच को लेकर तिलापिया काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ह्यूज मोटिलिटी होती है तिलापिया में यदि आपका पीएच का स्तर जो है अप या डाउन अचानक से होने लगता है। तो बहरहाल पीएच का जो लेवल है वो 6.5-8 के आसपास का होना चाहिए। 7 जो रेशियो है पीएच का वो काफ़ी बेस्ट होता है और ये जो रेंज है मछलियों के लिए एक बढ़िया एटमॉस्फेयर देता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में, तो दो टाइप के बैक्टीरिया पर्सनली यूज होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और हेटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया। यदि आप इन बैक्टीरिया का नाम जानते हैं कि हेटेरोटॉक्सिक बैक्टीरिया ग्रुप में कौन कौन सी बैक्टीरिया आती हैं, तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जो सबसे अच्छा जवाब होगा उनका नाम मैं बिल्कुल चैनल में शामिल करूंगा और बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग इन बैक्टीरिया के बारे में जानें और समझें और मुझे भी थोड़ा सा बताएं। तो दोस्तों, पांचवा टॉपिक बात करते हैं कुछ कॉमन जो चैलेंजेस हैं बायोफ्लॉक में, खास करके आप तिलापिया पालते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। तो देखिए, तिलापिया फार्मिंग में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में कुछ जो नॉर्मल चुनौतियां हैं, जो नॉर्मल चैलेंजेस हैं, जिनमें देखिए आपका जो वाटर पैरामीटर्स है उसको मेंटेन बनाए रखना, और जो डिसीज हैं मछली की जो बीमारी हैं उनसे बचाव करना, और जैसे जो अनचाहे जो बैक्टीरियाज हैं या अनचाहे दूसरे जीव हैं उनको कंट्रोल करना, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इसके साथ साथ बात करूँ दोस्तों, टैंक छोटी होती है साइज में, मछलियाँ बहुत हाई डेंसिटी में होती हैं, तो इसमें जो स्लज बनते हैं वो भी आपका एक बड़ा समस्या है, बड़ा एक चैलेंजेस है। इसके साथ ही साथ बात करूँ मैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तो टैंकें छोटी हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की हमेशा मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, यानी कि एयर पंप को कंटिन्यू आपको चालू रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फिश डिसीज़ को लेकर के। तो देखिए, तिलापिया फार्मिंग में जो बीमारी की जो फैलाव है, इसका जो स्प्रेड है, बीमारी कैसे फैलती है, तो यदि आप वाटर क्वालिटी को बढ़िया बना के रखेंगे और मछलियों को बढ़िया डाइट देंगे, यानी कि दाने को सही मात्रा में देंगे, सही लेवल का प्रोटीन देंगे और सही साइज की प्रोटीन देंगे, तो आपकी मछलियों में बीमारी की बढ़ने की जो घटनाएँ हैं वह कम हो जाएंगी और जो इन्फेक्शंस हैं ये कंट्रोल में रहेंगे। तो खास करके बायोसिक्योरिटी की बात करूं तो बायोसिक्योरिटी पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने कल्चर को बेहतर जो है मेंटेन कर सकें, क्योंकि बायोसिक्योरिटी बिना बार बार आपको समस्याएं जो है आएंगी। कोई तो फिर फार्म से प्रोबायोटिक यदि अवेलेबल बहुत कम कास्ट में है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर ऑर्डर कर सकते हैं और दिए हुए कोड को आप इस्तेमाल करके यदि परचेस करते हैं तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट जो है मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, क्या बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़े पैमाने पर तिलापिया पालन के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस अक्सर ये लोग पूछते हैं मुझे फ़ोन पे, मेरे कस्टमर केयर पे अक्सर ये बातें आती है। तो देखिए, जहाँ आप कमर्शियल फार्मिंग की सोच रहे हैं तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप इसका पालन, तिलापिया का जो पालन है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ताकि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो मैनेजमेंट है, ये देखिए आपके आसपास किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं और एटमॉस्फेयर किस तरीके से मेंटेन करनी है, उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन या सेटअप जो है बनते हैं। यदि आप हमसे सेटअप डिज़ाइन करवाते हैं तो पूरा साल भर का कंसल्टेंसी आपको फ्री मिलता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप देवे कस्टमर केयर का नंबर प्लेस हो रहा है, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, क्या ट्रेडिशनल जो एक्वाकल्चर सिस्टम के तुलना में हम यदि बायोफ्लॉक की बात करें तो कौन सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर सिस्टम से यदि मैं तुलना करूं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की, तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी काफ़ी टिकाऊ या बहुत बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक हाई डेंसिटी में मछली आप पाल सकते हैं। तालाब की बात करूं तो इसमें लो डेंसिटी में मछली आप पाल सकते हैं। पानी बदल के जो पानी जो एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज जो करने की बात है, तालाबों में या बड़े सिस्टम में वाटर एक्सचेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, जबकि छोटा सिस्टम है और जीरो वाटर एक्सचेंज में चलता है, तो कम पानी बदल के भी आप इस सिस्टम पे आप मछली पाल सकते हैं। और पोषक तत्वों की, तो देखिए, जो इसका वेस्ट है उसे हम रीयूज करते हैं तो इसमें दाने का बेहतरीन उपयोग होता है, जबकि तालाब में यह सिस्टम बहुत ही लो मात्रा में काम करता है, उतना बेहतर रिसाइकल जो है नहीं होता। तो यदि मैं बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर की बात करूं तो पर्यावरण पे इसका जो पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर क्या होगा, तो देखिए, इसमें केमिकल्स जो है बहुत ही कम यूज होते हैं, होते ही नहीं है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ना ही नहीं है। अब मैं बात करूं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का जो लाभ है, तो देखिए, खास करके यदि महंगा जो आपका दाना है आज के डेट में, क्योंकि दाने वाले बहुत पैसा छाप रहे हैं, मछली वाले बर्बाद हो रहे हैं, तो यदि आप इस दाने का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, इसे एक साइकिल में घुमाना चाहते हैं दाने को, ताकि वेस्टेज कम से कम हो, तो ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है होने वाली है। अब मैं बात करूं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को कैसे आप लागू कर सकते हैं, तो देखिए, मैं तिलापिया फार्म और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के दोनों को कंपेयर बात करूं, तो आपको यदि मछली पकड़नी हो आपकी तालाब में और बायोफ्लॉक सिस्टम है, तो बायोफ्लॉक सिस्टम आपको काफ़ी बेहतर पड़ेगा। और जो ये माइक्रोबियल्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, इनका ग्रोथ आप बढ़िया करते हैं, खास करके जो अपन कार्बन सोर्स जैसे गुड़ हो गया, गेहूँ का चोकर हो गया, इन सब को आप एड ऑन करते हैं प्रोबायोटिक के साथ साथ। मैंने एफसीओ पर वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर के एफसीओ का वीडियो भी आप देख सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप इस कार्बन सोर्स की को मेंटेन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों,
टोटल वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में तिलापिया की जो खेती है काफ़ी बेहतरीन है। यदि आप इसको तालाब में करते हैं तो वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने में आपकी हालत खराब हो जाएंगे, उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट करने में हालत खराब हो जाएंगे, और प्रोटीन जो सोर्स की मैं बात करूं, जो आप महंगे प्रोटीन के दाने लेके आएंगे वो भी आपको हालत खराब करनी है। और यदि मैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये जो आपके दाने हैं ये कम लगने हैं, पानी आपका कम खराब होना है, मछली पकड़ने में आपको काफ़ी आसानी होती है, और एटमॉस्फेयर को लेकर के भी आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में आप तिलापिया पालने की सोच रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपका आइडिया हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा था आपके लिए प्रियंका ध्रुव जी ने, बहुत काफी अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था, और कैमरे के पीछे मैं हूं पुष्पक राठिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो किसी अपनों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जोहार, नमस्कार।